हाय गाइस, मेरा नाम इतना, आप सभी देख रहे हो आप ही के चैनल दीप्तनुशील को स्वागत है आप सभी का फेसबुक फ्री मनी मेकिंग कोर्स के 6th एपिसोड पे। लास्ट एपिसोड पे हमने सीखा था कि एक फेसबुक पेज को बनाने के बाद उसको कैसे सेटअप करते हैं, कैसे पेज का सेटिंग जो है वो प्रॉपरली किया जाता है। तो आज के इस वीडियो पे हम सीखेंगे कि एक बार पेज को प्रॉपरली सेटअप करने के बाद हम लोग पेज को वायरल करने के लिए शक्तियां कहां से लाए। बिना शक्ति के ऑर्गेनिकली ग्रो होना मुश्किल है। तो आज के इस वीडियो के तहत हम सीखेंगे कि अगर हम फेसबुक पेज बनाने के बाद सोचे कि एक फेसबुक पेज पे एक पोस्ट को करेंगे, तो उस पोस्ट को करने से पहले हमें ऐसा शक्ति हमारे पास होना चाहिए जिससे कि हम पेज पे जब भी पोस्ट करें तो उस पोस्ट को वायरल कर पाए, वो भी बिना कोई पॉलिसी इशू के, बिना कोई मिस्टेक के। तो इसके लिए हमें सटीक पावर, शक्ति होना बहुत जरूरी है। तो बहुत सारे लोग अभी सोच रहे होंगे, अभी तो हमारा पेज सेटअप हो गया है, हम तो अभी यहाँ पे जितना पोस्ट करेंगे उतना ही चांसेस होगा लोगों तक पहुंचने का। मगर ऑर्गेनिक वे में, जैसे कि जीरो फॉलोअर से आप स्टार्ट करोगे, तो आपके पेज के पोस्ट को फेसबुक नॉर्मली कितना ही पहुंचाएगा, ज्यादा पहुंचेगा नहीं। तो हमें एज ए क्रिएटर हमारे कंटेंट को हमारे स्पेसिफिक ऑडियंस तक लेके जाना है। और उसके लिए बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी मालूम होगा, ग्रुप जो होता है वो एक ऐसा शक्ति होता है जहां पे शेयर करने से हमारे पेज के कंटेंट को बहुत ही ज्यादा वायरल फैक्टर मिलता है, बहुत ही ज्यादा रीच मिलता है। मगर यहाँ पे बहुत सारे एडवांस क्रिएटर को आज के डेट पे इश्यू हो रहा है कि पेज के पोस्ट को अगर ग्रुपों में शेयर करते हैं तो ग्रुप अप्रूवल ही नहीं देता। तो हम ऐसा ग्रुप ढूंढे कहां से? और नए क्रिएटर को ये तक पता नहीं होता है कि हम हमारे पेज के कंटेंट को जिस अकाउंट से हमने पेज को क्रिएट किया है उस अकाउंट से शेयर ही नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ऑलरेडी उस अकाउंट से हम पेज पे एडमिन है। या फिर बहुत सारे नए क्रिएटर को ये भी पता नहीं है कि हम अगर हमारे पेज को दो या तीन या चार अकाउंट से ऑलरेडी किसी ना किसी रोल पे पेज पे रखे हैं, जैसे कि दो एडमिन रख दिया, तीन एडिटर रख दिया, एक एनालिस्ट रख दिया, तो वो सारे अकाउंट से हम हमारे पेज के पोस्ट को शेयर नहीं कर सकते। अगर शेयर करेंगे तो फेसबुक के दृष्टि में वो होता है एक तरह का स्पैम, एंगेजमेंट बेट, इंक्रीज करने के लिए, व्यूज आर्टिफिशियली बूस्ट करने के लिए कोशिश, जो कि पॉलिसी रूल्स गाइडलाइंस के खिलाफ है। और ये करने पे हमारे पेज पे दो तीन तरीके का इशू आता है। एक तो पेज फ्लैग हो सकता है, दूसरा पेज पे लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू आ सकता है, और एक है इनऑथेंटिक एंगेजमेंट भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप लोगों का एज ए न्यू क्रिएटर ये तक पता नहीं होता कि लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू भी ग्रुपों में पेज के कंटेंट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने से भी होता है। इसीलिए मैंने एडवांस क्रिएटर को या फिर मेरे चैनल के जो रेगुलर व्यूअर्स है उन लोगों को पता के रखा हूं कि एक अकाउंट से आप दो ही ग्रुपों में एक कंटेंट को एक ही 24 घंटे में शेयर करना, उससे ज्यादा शेयर मत करना, ये मैंने कह के रखा। मगर आज के इस वीडियो पे, क्योंकि बिगिनर लोग स्पेशली इस कोर्स को कंज्यूम करोगे, तो आप लोगों के लिए, आप लोगों के खातिर मैं कुछ बड़ा रिवील करने जा रहा हूं, ताकि आगे चल के आप लोगों के जीरो वाला जो फॉलोअर पेज है उस पर भी 10K फॉलोअर हिट करने में ज्यादा टाइम ना लगे। तो वीडियो पे इसी बात पे लाइक कर दो और एंड तक जरूर बने रहना। दोस्तों यहाँ पे दो चीज तो आप लोगों को मतलब क्लियर हो गया है एज ए न्यू क्रिएटर। एक कि आप जिस अकाउंट से पेज पे किसी भी रोल पे हो उस अकाउंट से कंटेंट शेयर नहीं कर सकते हो किसी भी ग्रुप पे। अब आपके चाहिए क्या? आपको चाहिए फ्रेश अकाउंट जो कि किसी भी तरीके से उन पेज से लिंक ना हो जिस पेज का कंटेंट आप शेयर करोगे। अब ऐसा अकाउंट आपके मम्मी पापा भाई बहन का हो सकता है, उनको कर लो। मगर उससे पहले एक चीज ये भी याद रखना है कि आप जिस अकाउंट से पेज को क्रिएट किए हो, इस अकाउंट से, जिस अकाउंट से आप ग्रुपों में ज्वाइन होंगे, उस अकाउंट का कोई लिंकअप ना रहे। आप फ्रेंड मत बना के रखना अपने डैडी को, मम्मी को, भाई को आपके उस अकाउंट से जिससे पेज है, और पेज को भी कोई रोल पे नहीं रखना। ये काम हो जाने के बाद जैसे ही आप मान लो एक फ्रेश अकाउंट पे घुस गए हो जिससे आप शेयरिंग का काम करोगे,
उस अकाउंट पे से फॉर एग्जांपल आप आ गए और उसके बाद आपको क्लिक करके यहाँ पे ग्रुप मिलता है, जैसे पेज है ऐसे ही ग्रुप के लिए भी ऑप्शन है, तो आपको सिंपली से इस ग्रुप पे क्लिक कर देना है। और ग्रुप पे क्लिक करने के बाद आपको एक डिस्कवर करके ऑप्शन मिल जाता है, इस पे क्लिक करना है। और इस पे क्लिक करने के बाद ऊपर सजेस्टेड ग्रुप्स आते हैं जिसपे आपको उतना ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको सिंपली से कैटेगरी वाइज जो लिस्ट आता है उसको पे आना है, क्योंकि कैटेगरी वाइज लिस्ट पे आने से आपको आप जिस टॉपिक पे कंटेंट बनाने वाले हो आपके पेज पे उसी से रिलेटेड, उसी से इंटरेस्ट से मिलता जुलता ऑडियंस वाला ग्रुप में ज्वाइन होने का मौका मिल जाएगा। फिर आपको यहाँ से बहुत सारे कैटेगरी होंगे, जिस कैटेगरी पे आप कंटेंट बनाते हो उस कैटेगरी से रिलेटेड आपको ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। से फॉर एग्जाम्पल आप क्राफ्ट या आर्ट पे इंटरेस्टेड हो तो आपको इस कैटेगरी में घुस जाना है क्लिक करके। यहाँ पे बहुत सारे इसी कैटेगरी से मिलता जुलता बहुत सारे ग्रुप आएंगे, इनमें से आपको पहले क्या करना है, जैसे देख सकते हो ये वाला ग्रुप देख सकते हो, या फिर ये वाला ग्रुप मैं एग्जांपल के लिए ले लेता हूँ, तो ये एक ग्रुप है, तो आपको डायरेक्ट ज्वाइन नहीं होना है, क्योंकि आपको सबसे पहले इस ग्रुप को क्लिक करके देखना है कि ये ग्रुप प्राइवेट है या पब्लिक है। तो यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हो ये ग्रुप प्राइवेट है, तो प्राइवेट ग्रुप पे आपको ज्वाइन नहीं होना है, क्योंकि मोस्टली प्राइवेट ग्रुप जो है वो पोस्ट को शेयर करने पे अप्रूवल नहीं देता है। तो यहाँ पे मैं बैक कर लूंगा क्योंकि चांसेस कम है प्राइवेट ग्रुप में अप्रूवल मिलने का। तो ऐसे ही करके आपको ये वाला ग्रुप को से फॉर एग्जांपल देख लेता हूँ, ये प्राइवेट ग्रुप है या पब्लिक ग्रुप है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये ग्रुप जो है पब्लिक ग्रुप है, तो इस ग्रुप पे हम ज्वाइन कर सकते हैं ज्वाइन ग्रुप पे क्लिक करके, क्योंकि ये ग्रुप सही है, हो सकता है इस पे अप्रूवल मिल जाए। मगर पब्लिक ग्रुप ज्वाइन करने के बाद भी आप लोग डायरेक्ट आपके पेज का जो पोस्ट है उसको शेयर मत कर देना, सबसे पहले ग्रुप जब अप्रूवल मिल जाए आपको वहां पे आप कुछ भी आपके तरफ से पोस्ट करके देख लेना कि उस ग्रुप का जो एडमिन है वो आपके पोस्ट को अप्रूव करते हैं कि नहीं। अगर अप्रूव करते हैं उस केस पे ही आपको आपके पेज के कंटेंट को फिर उस ग्रुप पे शेयर करना है। तो दोस्तों ऐसे कर करके आप हर एक अकाउंट से पांच पांच ग्रुपों में ज्वाइन हो जाओ। और याद रखना, रिपीट मत करना सेम ग्रुप को हर अकाउंट से, इससे होगा क्या, आपके पेज के एक ही कंटेंट को दो अकाउंट ओपन करके सेम कंटेंट को एक ही ग्रुपों में शेयर करोगे और ऐसा होने पे भी स्पैम होता है। तो आपको हर एक अकाउंट से यूनिक ग्रुप पे ज्वाइन होना है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है, जो भी मतलब एडवांस क्रिएटर है जो कि बहुत दिनों से काम कर रहा है फेसबुक पेज पे या ग्रुप पे, उन लोगों का आए दिन एक क्वेश्चन आता है, सर कोई भी ग्रुप अप्रूवल नहीं देता है पोस्ट का, इवन प्राइवेट पब्लिक कोई भी ग्रुप हो उस पे अप्रूवल मिलना बहुत मुश्किल होता है, पोस्ट पेंडिंग में ही पड़ा रहता है, आप ऐसा कुछ सलूशन दो जिससे हमारा पेज का पोस्ट शेयर करने पे ही सक्सेसफुली अप्रूव हो जाए, ताकि हमारे पेज के पोस्ट को मैक्सिमम रीच मिले। तो ठहरो, सबर करो, मैं इसका भी सलूशन आज के इस वीडियो पे देने वाला हूं। इसीलिए कहता हूं वीडियो पे लाइक शेयर करना मत भूलना, क्योंकि एक्सक्लूसिव कंटेंट शेयर करता हूं इसी चैनल के द्वारा। तो दोस्तों मैंने ऐसा एक लिस्ट फाइंड आउट किया है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक बहुत बड़ा ग्रुप का लिस्ट है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ग्रुप है, आप देख सकते हो कितना बड़ा लिस्ट है। ये जो नंबर देख रहे हो एक एक नंबर जो है, एक एक डिजिट जो है, एक्चुअली डिजिट नहीं है, ये एक एक ग्रुप है। और यहाँ पे कैसे इस ग्रुप को ज्वाइन करना है ये भी दिखा दूंगा। अब पहले लिस्ट देख लो, खत्म ही नहीं होगा, जितना स्क्रॉल करो इतना ग्रुप आएगा। तो ये पूरा लिस्ट मैं आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन पे देने वाला हूं, मगर सबसे पहले आप लोगों को एक डेमो दिखाता हूं। से फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे ही बीच में से रैंडमली कुछ एक नंबर को ले लिया। अब आपको करना क्या है, आपको आना है आपके जो ब्राउजर है इस पे, ब्राउजर पे आने के बाद दोस्तों आपको facebook.com तो लिखा हुआ रहता है ना, उसके ठीक बाद से ये वाला पार्ट जो है इसको आप इरेज कर लो, facebook.com के बाद उसी नंबर को पेस्ट कर दो और फिर एंटर मारो, देखना अभी एक ग्रुप ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एक ग्रुप ओपन हो गया है और ये एक पब्लिक ग्रुप है, और ये जो लिस्ट ऑफ ग्रुप्स है इस पे आपको अप्रूवल मिलेगा, क्योंकि ये जो ग्रुप मैंने निकाला है फाइंड आउट करके ये सब रिफाइंड ग्रुप है, इस पे अप्रूवल मिलता है पोस्ट को, इसीलिए इस पे लिया गया है। अब नीश इस ग्रुप का आप लोगों को
ढूंढना है, मगर एज ए नॉर्मल क्रिएटर, एज ए क्रिएटर हमारा जो मेन टारगेट होता है वो है हमारे कंटेंट को मैक्सिमम रीच दे, मैक्सिमम विजिबिलिटी दे। तो इसके लिए हर एक ग्रुप में आप पोस्ट कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब नीश एकदम जेन्युइन होना चाहिए, मगर आप ट्राई करो जितना भी इससे रिफाइन करके आप निकाल पाओ आपके नीश से जुड़े हुए ग्रुपों को। तो ये एक आपको आज जो है मतलब सुपर पावर दे रहा हूं ये ग्रुपों के द्वारा। यहाँ पे सारे ग्रुप्स है और ये हर ग्रुप में बहुत सारे मेंबर है, एक्टिव ग्रुप है और इस पे ऑटो अप्रूवल भी हो जाता है मैक्सिमम ग्रुपों में। तो इस लिस्ट को मिलने के बाद इसको प्रॉपरली यूटिलाइज करो। अभी ये मत कहना कि सर ग्रुप पे अप्रूवल नहीं मिलता है, ई ग्रुप जो है मैंने दिखाया है, लिस्ट ऑफ ग्रुप दे दिया है यहाँ पे, मतलब बहुत सारे ग्रुप है, आप खत्म नहीं कर पाओगे एक एक अकाउंट से। अगर पांच पांच दस दस भी ग्रुप ज्वाइन करोगे, कितना अकाउंट आपके पास है, आपके अकाउंट से ज्यादा मेरे पास ग्रुप है। तो इन ग्रुपों में ज्वाइन हो जाओ, फिर अपने पेज के पोस्ट जो करोगे उसको शेयर करना है उन ग्रुपों से बिना लिंक हुए जो मैंने समझाया है। आप शक्ति लेना, पावर लेना बिफोर पोस्ट खत्म नहीं हुआ है, आप लोगों को और भी शक्ति चाहिए एक पेज पे एक पोस्ट को सक्सेसफुली वायरल करने के लिए, सक्सेसफुली आपके पेज को ग्रो करने के लिए। तो इसके तहत आप लोगों के सामने और भी एपिसोड आएगा बिफोर पोस्टिंग, पोस्टिंग को भी एक आर्ट है, कला है, उसको भी सिखाऊंगा। उससे पहले आपको जो पावर है, जो शक्ति है वो लेना है। तो अगले एपिसोड भी ऐसे ही एक पावर से भरे परे होगा। तो आप लोग इसी बात पे अगर नए अभी चैनल पे आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जैसे ही नए वीडियो डालो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। मिलता हूं अगले वीडियो के साथ, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो और मम्मी का नाम करो दोस्तों, बाय।